हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेनर वीडियो। दिस इज़ वसीम, योर वाचिंग चैनल कैट्स फॉर लाइफ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग के सामने कैट का फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग को बता देता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। सो फंगल इन्फेक्शन जो है कैट का स्किन के ऊपर जख्म जैसा होके जख्म वैसे प्लेस में जो है हायर क्वालिटी जड़ जाता है, और इसका सिम्टम्स कैट जो है बहुत ज़्यादा सुस्त जैसा हो जाता है, और कैट का हेयर के ऊपर डैंड्रफ जैसे होके हेयर क्वालिटी जड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा चीज़ आप लोग का कैट में दिखेगा तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका डायग्नोसिस कराएं, ताकि आपको पता चले वो फंगल इन्फेक्शन है या माइट इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी। सो आप लोग को मेरा कैट दिखा देता हूँ गाइस। सो देखते हैं। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे ये जो है फंगल इन्फेक्शन का कैट, इसका फेस के पास आप लोग देख रहे होंगे हेयर क्वालिटी सब जड़ चुका है, और इसका कान के पास देखिएगा सब डैंड्रफ होके हेयर क्वालिटी सब जड़ चुका है गाइस। सो मैंने इसे डॉक्टर पास कंसल्ट करके इसका डायग्नोसिस कराया। डॉक्टर ने बताया कि इसे फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। सो मैंने अभी इसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है गाइस। और आपका कैट का स्टार्टिंग फंगल इन्फेक्शन है तो आपको मैं एक शैम्पू बता देता हूँ, वो शैम्पू आप यूज़ करके आपका कैट का फंगल इन्फेक्शन क्लियर कर सकते हो गाइस। स्टार्टिंग फंगल ऐसा रहता है कि कैट का हेयर में डैंड्रफ जैसा होके हेयर क्वालिटी जड़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये वीडियो पे जो है आफ्टर 1 मंथ का बाद का भी रिजल्ट यही वीडियो पे मैं डालूंगा गाइस। वीडियो को स्किप मत करिएगा, और वो शैम्पू कौन सा है, किस तरह यूज़ करना चाहिए आपको मैं दिखाता हूँ। सो देखते हैं। ये है हिमालय वालों का शैम्पू। ये शैम्पू जो है आप कैट को भी यूज़ कर सकते हो या डॉग को भी यूज़ कर सकते हो। ये शैम्पू जो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कैट का जो हेयर क्वालिटी जल्दी से ग्रोथ हो जाए, और इसका MRP जो है 225 रुपीज़ है। कीटो क्लेयर, ये शैम्पू जो है कैट का फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ और जूं के लिए यूज़ कर सकते हो। ये शैम्पू कैट्स डॉग्स को भी यूज़ कर सकते हो गाइस। इसका MRP जो है 315 रुपीज़ है। और आप थोड़ा पानी में कीटो क्लेयर और हिमालयन शैम्पू दो भी डाल के अच्छा करके मिक्स करिएगा। मिक्स करे बाद में एक कपड़े से शैम्पू लेके कैट का किधर सा फंगल इन्फेक्शन हो चुका है वो प्लेस से कैट को अच्छा करके वॉश करिएगा, ताकि आप डेली नहलाने से कैट को जो है बुखार आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप एक कपड़े से शैम्पू लेके अच्छा करके वॉश करने का ही बेहतर है। और किधर सब आप शैम्पू अप्लाई किया है वो प्लेस में नॉर्मल पानी से वॉश करिएगा, उसका बाद में आप ड्राई कपड़े से ड्राई करिएगा गाइस। और आपका कैट में जुआ है तो वीक में एक बार ये शैम्पू से नहलाइएगा, 3 वीक कंटिन्यू करिएगा गाइस। 100% आपका कैट का जो जुआ सब क्लियर हो जाएगा। और आप ध्यान रखना कि ये शैम्पू जो है कैट के मुँह के अंदर नहीं जाना चाहिए। सो फाइनली गाइस, कैट का फंगल इन्फेक्शन जाके एक हेयर आ चुका है। आप देख रहे होंगे इसका फेस के पास हेयर नहीं था, पहले का वीडियो आप देखिएगा उसका, इसका फेस के पास हेयर नहीं था, अभी तो हेयर आ चुका है। सो आप इसका आईज़ के पास देखिएगा, और इसका सर में फंगल इन्फेक्शन होके हेयर सब जड़ चुका था, अभी तो इसका हेयर क्वालिटी ग्रोथ हो रहा है, देखिएगा। सो हेयर क्वालिटी ग्रोथिंग है, सो देखिएगा गाइस। और इसका पैर में जो है डैंड्रफ होके हेयर क्वालिटी सब जड़ चुका था, इसमें भी हेयर क्वालिटी ग्रोथिंग हो रहा है। कैट का किधर सब फंगल इन्फेक्शन हो चुका है वो प्लेस पे डेली कंघाई करिएगा, ताकि कैट का जो फंगल इन्फेक्शन का प्लेस में जो डैंड्रफ रहेगा वो सब कंघाई के साथ आ जाएगा, इसलिए कैट को जो है डेली कंघाई करना पड़ेगा। सो कंघाई करने से कैट का जो हेयर क्वालिटी जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा।
आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक करना, और आप लोग को कैट के ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं गाइस अगले टॉपिक पे।